नमस्कार दोस्तों, होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। टॉपिक है चाइल्डहुड में या बचपन में जो बच्चे एक तरीके से मास्टरबेशन ज़्यादा करते हैं, हस्तमैथुन ज़्यादा करते हैं, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम फिर उनमें देखने को मिलती है जब वो एडल्ट हो जाते हैं या जब वो मैरिड लाइफ में एंटर करते हैं, तब बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्याएं उन लोगों को देखने को मिलती है। इवन कुछ लोगों को तो बहुत पहले ही वो प्रॉब्लम सामने आ जाती हैं। वो प्रॉब्लम कौन सी हैं, होम्योपैथी में हम उनको कैसे ट्रीट कर सकते हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, आज इसी पे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन या बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन कोई करता है अपने जो टाइम होता है उसका मैरिड लाइफ से पहले, तो उसके इतने सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, बहुत गंभीर साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। बहुत सारे मॉडर्न मेडिकल साइंस वाले लोग तो बोलते हैं कि ये सामान्य बात है, जनरल सिचुएशन है, इससे कोई ऐसी कोई समस्या देखने को नहीं मिलती, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये भ्रांति है, मिसगाइडेंस है। ऐसे बहुत सारे लोगों को आप अपने आसपास देखेंगे जिन्होंने इसको बहुत ज़्यादा किया है, मास्टरबेशन को, और वो बहुत सारे बहुत गंभीर परिणाम उसके भुगत रहे हैं। एक ये मिसगाइडेंस है, दूसरा फिर वो बहुत सारे ऐसे नीम हकीम या ऐसे लोगों के पास जाते हैं जिनको एक्चुअल नॉलेज नहीं है, फिर वहाँ पर बहुत सारे पैसे वो खर्च करते हैं। होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। पहले बात कर लेते हैं कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम हो क्या क्या सकती हैं किसी को भी। तो सबसे पहली प्रॉब्लम आप जो देखेंगे या सबसे ज़्यादा जो फेस करने वाले जो लोग हैं वो हैं जो पेनिस होता है, जो मेल का लिंग होता है, उसमें उसका जो उसमें एक कर्व आ जाता है, वो जिसे मुड़ने की स्थिति हम बोलते हैं, मुड़ने की स्थिति आ जाती है। प्लस साइज़ भी जितना डेवलपमेंट होना चाहिए उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। दूसरा ये कारण है कि बहुत ज़्यादा जो नर्व्स हैं, जो वेन्स हैं, उन पर दबाव पड़ने की, उन पर बहुत ज़्यादा घर्षण पड़ने की वजह से सर्कुलेशन जो ब्लड का है वो प्रॉपर नहीं रहता, ब्लड का सर्कुलेशन ख़राब हो जाता है, जिस वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि जो तनाव में कमी है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। बहुत कम एज में ही ये सारी समस्या उन लोगों के साथ में स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा अच्छे से इरेक्शन नहीं है, अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, इसकी कॉन्सिक्वेंस में फिर माइंड में चीज़ें चलनी स्टार्ट हो जाती हैं, दिमाग डिस्टर्ब, माइंड जो है डिस्टर्ब रहने लगता है। उस कंडीशन में फिर प्री मैच्योर इजैकुलेशन भी स्टार्ट हो जाता है, यानी कि शीघ्र पतन भी वहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाएगी, ऐसे लोगों को आप देखेंगे वो हमेशा सोए सोए से रहेंगे, एक्टिवनेस ख़त्म हो जाएगी, बहुत पैसिव पेशेंट आपको वैसा देखने को मिलेगा। उसके जो चेहरे से जो ग्लो है वो गायब मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल थॉट्स में इन्वॉल्व रहने वाले लोगों के चेहरे से ग्लो एक्चुअली गायब सा ही हो जाता है। वीकनेस, लिथार्जीनेस, हर टाइम नींद आने की समस्याएँ, ये तो वो समस्याएँ हैं जो दिख ही रही हैं हमें नॉर्मली। इसके अलावा भी और जो बहुत खतरनाक समस्याएं देखने को मिल सकती हैं जो डेली लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जैसे हेयर फॉल, ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल देखने को मिल सकता है। मेमोरी लॉस, याददाश्त कमज़ोर हो जाएगी ऐसे लोगों की, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा चीज़ें उनको याद नहीं रहेंगी। लोअर बैक पेन, एक स्टेज आएगी 25 साल 26 साल के आसपास कि उनके जो बैक है, लोअर बैक है, उसमें पेन देखने को मिलेगा, वहाँ पे दर्द उनको रहना स्टार्ट हो जाएगा। टेस्टिकुलर पेन, टेस्टिकुलर टोर्जन, स्पर्मेटिक कोड जो अंदर होती है, जो स्पर्म लेके जाती है, उसमें उलझन हो जाती है उसमें। और एक जो बड़ी समस्या जो उनको बहुत ज़्यादा फिर आगे मेंटली डिस्टर्ब करती है, पूरी फैमिली को डिस्टर्ब करती है, वो होती है एजियोस्पर्मिया। जो सीमन होता है उसकी क्वांटिटी तो कम हो ही जाएगी, लेकिन सीमन में जो स्पर्म है, जो शुक्राणु है, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम हो जाती है।
और ये सब नोटेड चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है। आप ऐसे पेशेंट को उठा के देखेंगे जिनको ये प्रॉब्लम है, 90% आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने मास्टरबेशन ज़्यादा किया है, सेक्सुअल एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हैं शादी से पहले। अब इन सारी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए मैं आपको दो कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, एक मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन है, दूसरा पोटेंसी का कॉम्बिनेशन है। और आप देखिए ऐसे लोगों की जिन्होंने बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन किया है, बहुत ज़्यादा फर्स्ट मैथ जिन्होंने किया, उनकी सारी प्रॉब्लम ठीक होनी स्टार्ट हो जाएगी। ईमानदारी से वो लोग दवाई लें, ईमानदारी से सारे काम करते रहें। तो चलिए अब ट्रीटमेंट को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए बाद में, और कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन भी जरूर दीजिए। अब हम ट्रीटमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें एक तीन मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन हमें लेना है। पहला मदर टिंचर है साइडोनिया, जो पेनिस के आकार को सही करता है, सर्कुलेशन को सही करता है, और साइज़ को भी इंक्रीज़ करने वाली मेडिसिन है। ये कर्वेचर आ गया है, ठीक है, मतलब टेढ़ापन आ गया, उसको भी ये सही करता है। दूसरा मदर टिंचर है डेमियाना का मदर टिंचर। ये प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, इरेक्शन की कमी, मूड में स्विंग होना, सर्कुलेशन का कम होना, इन सबको ये ठीक करता है। तीसरा मदर टिंचर है जिनसिंग का मदर टिंचर। ये भी मेल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हेल्थ टॉनिक है, और ये सर्कुलेशन को बढ़ाता है, नसों को मजबूत करता है, स्पर्म की क्वालिटी क्वांटिटी दोनों को इम्प्रूव करता है। ये मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन है, तीनों को इक्वल क्वांटिटी में लेना है, और फिर इसकी 20-20 बूंदे, 25-25 बूंदे बल्कि दिन में 3 बार पेशेंट को लेनी है। ये मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन था। दूसरा कॉम्बिनेशन है पोटेंसी वाला। पोटेंसी कॉम्बिनेशन में जो पहली टॉप रेमेडी है ऐसे लोगों की जो मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा किया है और प्रॉब्लम हो रही है, वो स्टेफिसैगरिया 30, ये पहली मेडिसिन है, सारे साइड इफ़ेक्ट को दूर करेगी, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, इवन उसकी वजह से मेमोरी लॉस होना, चेहरे से ग्लो गायब होना, वीकनेस होना, इन सब को ये ठीक करती है। फिर दूसरी है एग्नस कास्ट 30 भी सारे जो इफ़ेक्ट्स हैं किसी मेल में देखने को मिलते हैं, खासकर मास्टरबेशन के बाद, उन सारी कंडीशन को ये ठीक करती है। मास्टरबेशन की सारी प्रॉब्लम एग्नस कास्ट से ठीक हो जाएंगी। इसको भी कॉम्बिनेशन में लेना है, 5 ml स्टेफिसैगरिया, 5 ml एग्नस कास्ट, 5 ml फिर टाइटेनियम लेना है। टाइटेनियम बहुत अच्छी रेमेडी है प्री मैच्योर इजैकुलेशन की, खासकर ऐसे लोगों के प्री मैच्योर इजैकुलेशन के लिए जिन्होंने मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा किया है, बहुत ज़्यादा हर्षमैथुन करने के कारण जिनको शीघ्र पतन की समस्या है, उनको टाइटेनियम 30 जरूर देना चाहिए। टाइटेनियम 30 को भी इस कॉम्बिनेशन में 5 ml ऐड कर लेंगे। फिर सेकंड लास्ट जो रेमेडी है वो है लाइकोपोडियम 30। थोड़ी डीप एक्टिंग रेमेडी है, चाहे तो उसको कम भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़े दिन के लिए, टाइम बींग के लिए, 1-2 महीने के लिए आप इसको चला सकते हैं। मेमोरी लॉस होना, ठीक है, और चेहरे से ग्लो गायब होने की कंडीशन, प्री मैच्योर इजैकुलेशन, सब पे लाइकोपोडियम काम करता है। लाइकोपोडियम 30 को भी इसमें हमें 5 ml लेना है। फोर्थ जो लास्ट रेमेडी है वो है सेलेनियम 30 पोटेंसी में, इसको भी 5 ml लेना है। ये ऐसे लोगों के बैक पेन को भी ठीक करता है, हेयर लॉस को भी ठीक करता है, चेहरे से जो ग्लो गायब हो जाता है उसको भी ठीक करता है, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसको बढ़ाता है, स्पर्म की क्वालिटी क्वांटिटी दोनों को इम्प्रूव करता है। तो साथ में सेलेनियम 30, ये दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया। इस कॉम्बिनेशन की 5-5 बूंदे दिन में 3 बार, 5 बूंदे सुबह, 5 दोपहर, 5 शाम पेशेंट को लेनी है, और आप देखेंगे कि सारी प्रॉब्लम उसकी ठीक होनी स्टार्ट हो जाएंगी, बहुत अच्छे से ये सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी, और साथ में वो जो उसका माइंड सेट हो गया है मास्टरबेट करने का, उसको भी उसको डिस्ट्रैक्शन जो होता है उसको उसमें उसको रिलीफ फील होगा बहुत ज़्यादा। और अगर शादी हो गई है फिर सारी प्रॉब्लम आप देखने को मिल रही है, तो भी सारी चीज़ें वहाँ पे इम्प्रूव हो जाएंगी। तो ये था आज का वीडियो, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो, एक्सेस मास्टरबेशन करने से होने वाली प्रॉब्लम में होम्योपैथी में हम क्या दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।